Hello everyone, so here I am again with the next video, and in this video we'll discuss about the fertilization. But before that, one of the topic remain in the last video, that is difference between oestrus cycle. Somewhere it is also written as estrus cycle. So the difference between oestrus cycle or menstrual cycle. This topic remains in the last video. So today we'll discuss this one, and then we'll move to the next topic, that is fertilization. सो हमने बात की मेंस्ट्रुअल साइकिल की, उसके कुछ पॉइंट्स थे. लाइक द फर्स्ट पॉइंट दैट इट अकर्स इन प्राइमेट्स. देन द सेकंड पॉइंट दैट आफ्टर सर्टेन ईयर दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स इन फीमेल. तो एट द एज ऑफ 40 to 45 ईयर्स इट स्टॉप्स. Fine. And one more point is that during the menstrual cycle, bleeding occurs in primate female due to breakdown of endometrium. So ये common point है, हम पढ़ चुके हैं कि primates में health होगी 40-45 ईयर्स के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में स्टॉप हो जाती है. एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल में मंथली क्या होता है, डिस्चार्ज होता है मेंसेस का, दैट इज ब्लीडिंग अकर्स, एंड दिस इज ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम. नाउ ऑन अदर साइड, व्हाट हैपन इन ऑस्ट्रस साइकिल, इट अकर्स इन नॉन primates and also known as heat period. तो oestrus cycle को ही heat period के नाम से भी जाना जाता है. And what is this heat period? It is the time period at which female is receptive in non primates. और जहाँ पर हम टर्म ले रहे हैं कि फीमेल रिसेप्टिव है, दैट मीन कि यहाँ पर फीमेल जो है वो फर्टिलाइज कर सकते ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो हीट पीरियड इज़ अ रिसेप्टिव पीरियड ऑफ फीमेल्स इन केस ऑफ नॉन प्राइमेट्स. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज दैट दिस ऑस्ट्रस साइकिल अकर्स throughout the life in the non-primates. So it occurs throughout the life. Like in our case, हमने बात की 40-45 साल के बाद जो है ये stop हो जाता है, but इनके case में ये throughout the life occur होगा. And the last point, यहाँ पर हमारे case में bleeding observe होती है क्योंकि एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन हो रहा है. बट इन केस ऑफ नॉन प्राइमेट्स ब्लीडिंग डू नॉट विजिबल एज एंडोमेट्रियम रीएब्सॉर्ब्ड inside the body. यहाँ पर endometrium break होती है तो वो body के अंदर ही reabsorb हो जाती है, जिसकी वजह से इन organisms के अंदर आपको bleeding नहीं दिखेगी. Rare cases है, कई जगह पर आपको दिख भी जाती है, but mostly यहाँ पर outside bleeding visible नहीं होती है. Endometrium अंदर ही क्या हो जाती है, reabsorb हो जाती है. So this is the difference between the oestrus cycle and its menstrual cycle.
उस साइकिल में हम एक और बात कर चल सकते हैं कि यहाँ पर हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो उस साइकिल का टाइम पीरियड होता है वो वेरी करता है। लाइक हमारे केस में क्या है कि फिक्स है कि मंथली आपका ये अकर हो रही है, बट इन केस ऑफ नॉन प्राइमेट्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जो उस साइकिल पीरियड है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल ले तो हम यहाँ पर सिंपल कैटल्स के अंदर ले लेते हैं, कैटल्स विच इंक्लूड योर काउ एंड बफेलोस। सो इन देम द ऊस्ट्रस फेज रिमेन फॉर ऑन एन एवरेज इफ यू आर टॉकिंग तो इट इज 6 to 24 आवर्स, 6 से 24 घंटे का ऊस्ट्रस पीरियड होता है इन फीमेल कैटल्स में। एंड यहाँ पर आपका इस टाइम पर फीमेल रिसेप्टिव होती है कि इस पीरियड में उनके अंदर फर्टिलाइजेशन जो है वो हेल्ड हो सकता है। अब जो ऊस्ट्रस साइकिल होती है ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपका डिफरेंट डिफरेंट ईयरली, अगर हम बात करें कईयों में ऊस्ट्रस साइकिल एक बार दिखेगी साल में, कईयों में साल में 2 बार भी दिखती है, कईयों में बार बार भी होती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ऊस्ट्रस साइकिल पर ईयर। सो यहाँ पर कई ऑर्गेनिज्म है जहाँ पर वो क्या होते हैं, मोनो ऊस्ट्रस होते हैं। मोनो ऊस्ट्रस मीन्स साल में एक ही बार ये हीट पीरियड आता है जिस टाइम पर फीमेल रिसेप्टिव हो सकती है और प्रेगनेंसी जो है कंसीव कर सकती है। तो मोनो ऊस्ट्रस के अंदर जैसे हम बात करें फॉक्सेस जो होते हैं, देन वुल्फ आर देयर, दे आर मोनो ऊस्ट्रस मीन्स साल में एक ही बार रिसेप्टिव पीरियड आएगा। लाइकवाइज कई ऑर्गेनिज्म आपके पॉली ऊस्ट्रस होते हैं, यानी मल्टीपल टाइम रिसेप्टिव पीरियड आता है, हीट पीरियड आता है और मल्टीपल टाइम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जर्नल अगर हम एग्जाम्पल लें तो पिक्स हैं, राइस है, सॉरी पिक्स है, माइस है, रैट्स हैं, ठीक है। सो ये सारे आपके जो हैं ईयरली मल्टीपल टाइम जो है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, फाइन। सो दिस इज द ओवरऑल आउटलुक बिटवीन ऊस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ऊस्ट्रस साइकिल को रिपीट कर लेते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल आप पढ़ चुके हैं तो जर्नल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ऊस्ट्रस साइकिल ले लेते हैं, ये नॉन प्राइमेट्स के अंदर होती है या फिर हम कह सकते हैं नॉन प्राइमेट्स या हम कह सकते हैं सीजनल ब्रीडर। एंड इन द लास्ट वीडियो आई हैव टोल्ड यू सीजनल ब्रीडर्स आपके वो होते हैं जो कि आपका जिनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव टाइम आता है उसी टाइम पर जो टेस्टिस है वो स्क्रॉटम सेक के अंदर मूव करती है। तो ये नॉन प्राइमेट्स या सीजनल ब्रीडर्स के अंदर आपको ऊस्ट्रस साइकिल दिखेगी। इस ऊस्ट्रस साइकिल को हम हीट पीरियड भी कहते हैं। हीट पीरियड इज़ अ टाइम व्हेन द फीमेल इज रिसेप्टिव कि वो स्पर्म रिसीव कर और प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। देन ये थ्रू आउट द लाइफ आपका हेल्ड होता है। इस केस में ब्लीडिंग आपको आउटसाइड विजिबल नहीं होती है क्योंकि एंडोमेट्रियम ब्रेक होती है तो वो बॉडी के अंदर ही रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। हाँ कई केस में आपको थोड़ा बहुत म्यूकस की फॉर्म में ब्लीडिंग दिख जाती है एंड डॉग्स वगैरह है उनके अंदर बोला जाता है कि उनके अंदर भी कई बार दिख जाती है, बट नॉर्मली यहाँ पर जो है ब्लीडिंग अकर नहीं होगी। एंड एग्जाम्पल है काओ कैटल्स हैं आपके, ये ऊस्ट्रस साइकिल इनके अंदर जो ऑन एन एवरेज है कि ये आपका 6 to 24 आवर्स की ये हीट पीरियड दिखाते हैं। और इस पीरियड में क्योंकि कोई ब्लीडिंग हो नहीं रही है तो जनरली क्या होता है जो इनके एक्सटर्नल जेनेटिलिया होते हैं या तो उनमें थोड़ा सा कलर चेंज होता है, ठीक है, अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर आपका
ग्रोनिंग करते हैं, मीन्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं उस टाइम पर, तो पता चल जाता है। ठीक है, तो क्योंकि कोई क्लियर सिम्टम दिखते नहीं है, तो जेनेटल एक्सटर्नल जेनेटेलिया का कलर चेंज है या फिर वो साउंड निकाल रहे हैं, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो कैटल है वो अभी ऊस्ट्रेस या हीट पीरियड में है। देन ऑन द बेसिस ऑफ दिस हीट पीरियड ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड करते हैं समा मोनोस्ट्रेस समा पॉलीस्ट्रेस। मोनोस्ट्रेस जो साल में एक ही बार हीट पीरियड या फिर फीमेल्स एक ही बार रिसेप्टिव हो सकती है, फॉर एग्जांपल फॉक्स है, कैटल्स फॉक्स हैं, वुल्फ है। पॉलीस्ट्रेस, पॉलीस्ट्रेस में हम बात करते हैं कि पिग्स है, माइस है, रैट्स है, जो पर ईयर आपका मल्टीपल टाइम जो है हीट पीरियड जो है प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज़ द ओवरऑल डिफरेंस बिटवीन द ऊस्ट्रेस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव टॉक्ड अबाउट गैमेटोजेनेसिस, और गैमेटोजेनेसिस की हम बात कर चुके हैं, यानी कि फीमेल के अंदर गैमेट बना एग और मेल के अंदर गैमेट बना स्पर्म। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज अ फर्टिलाइजेशन। गैमेट फॉर्म होने के बाद फर्टिलाइज होना है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज फर्टिलाइजेशन। एंड वॉट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस और गैमेट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस और गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म जायगोट। ओके, नाउ इफ यू सी द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इफ यू सी द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सो दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लुक समथिंग लाइक दिस। एंड नाउ वॉट इज हैपनिंग ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन? द फर्स्ट पॉइंट इज दैट द सीमन ऑफ मेल इजैक्यूलेट्स। मेल का जो सीमेन है वो इजैक्यूलेट होता है एंड डिपॉजिटेड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर डिपॉजिट होता है। एंड दिस प्रोसेस आई हैव टोल्ड यू कि इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, इनसेमिनेशन। इनसेमिनेशन। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस इजैक्यूलेट, सो यहाँ पर जो सीमन होता है तो वन इजैक्यूलेट में, यानी सिंगल टाइम जब इजैक्यूलेट होगा उस टाइम पर अराउंड 3 ml ऑफ सीमन जो है वो रिलीज होता है। एंड इन दिस 3 ml ऑफ सीमन इफ यू सी, सो देयर इज अराउंड 200 to 300 million sperms are present. So this is a female tract, और यहाँ पर वजाइना के अंदर डिपॉजिट होगा सीमन, और उस सीमन के अंदर प्रेजेंट होगा स्पर्म। फाइन, सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म।
विच इज डिपॉजिट इन टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक मीन्स वजाइना. फाइन, नाउ व्हाट इज हैपनिंग. तो यहाँ पर जब स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर डिपॉजिट होता है तो सबसे पहला स्टेप आता है विच इज कॉल्ड कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म. कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म. एंड व्हाट इज दिस कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म. Even after the deposition of sperm, sometimes happen that the sperm do not fertilize the egg. कि यहाँ पर sperm deposit भी हो गया लेकिन फिर भी fertilization नहीं होगा. तो उसका reason क्या होता है कि ये जो sperm है वो अभी reproductively active नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर capacitation एक process होती है जिसके through इस स्पर्म को फर्टिलाइजेशन के लिए एक्टिवेट किया जाता है. तो कैपेसिटेशन इज फॉर इट इज स्पर्म अटेन फंक्शनल मैच्योरिटी. कि अभी वो फंक्शनली मैच्योर नहीं है कि वो फर्टिलाइज कर पाए. तो स्पर्म अटेन फंक्शनल मैच्योरिटी इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक. फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर पहले इस स्पर्म को क्या किया जाएगा, मैच्योर किया जाएगा. एंड दैट प्रोसेस इज कैपेसिटेशन. सो अभी ये स्पर्म क्या है, ये स्पर्म है डीकैपेसिटेटेड स्पर्म. मीन्स स्पर्म प्रेजेंट है पर फर्टिलाइजिंग अगर हम कैपेसिटी देखें तो ये अभी इनएक्टिवेटेड है. अब इसे एक्टिवेट किया कैसे जाता है, तो कैपेसिटेशन के अंदर पहला यहाँ पर स्टेप आता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर कुछ सीरम एल्ब्यूमिन होते हैं और वो सीरम एल्ब्यूमिन इस स्पर्म के हेड पर कुछ स्टीरोल्स कोलेस्ट्रॉल वगैरह प्रेजेंट होते हैं, उस कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करते हैं. तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, सबसे पहले स्टेप में सीरम एल्ब्यूमिन रिमूव्स, सीरम एल्ब्यूमिन रिमूव्स कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फाइन, सो लाइक दिस इज द स्पर्म एंड इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर आपके कुछ कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पर क्या होगा, सीरम एल्ब्यूमिन एक तरह के प्रोटीन है. तो सीरम एल्ब्यूमिन जो प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करेंगे. एंड यहाँ पर आपका कोलेस्ट्रॉल रिमूव हुआ. ठीक है, अब कोलेस्ट्रॉल रिमूव होने के बाद क्या होगा, जैसे ही इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोलेस्ट्रॉल रिमूव होता है तो यहाँ पर इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोडियम चैनल है, पोटेशियम चैनल है. तो जैसे ही यहाँ से आपका क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल रिमूव होगा, तो यहाँ पर आपके जो पोटेशियम चैनल है वो एक्टिवेट हो जाते हैं. और पोटेशियम चैनल एक्टिवेट होते ही स्पर्म के अंदर जो पोटेशियम है वो बाहर इफ्लक्स होने लगता है, यानी कि रिलीज होने लगता है. तो यहाँ पर आपका सेकेंड स्टेप क्या हुआ कि स्पर्म एल्ब्यूमिन ने कोलेस्ट्रॉल रिमूव किया, देन आफ्टर दैट पोटेशियम चैनल ओपन्स अप रिजल्टिंग इफ्लक्स ऑफ
पोटेशियम आयन. ओके, अब इफ्लक्स हुआ तो क्या हुआ, मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, यहाँ से पोटेशियम आयन जो है वो निकलकर कहाँ जाने लग गया, बाहर. नॉर्मली हमें पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज आउटसाइड एंड नेगेटिवली चार्ज इनसाइड. सो एज द पॉजिटिव चार्ज आर गोइंग आउटसाइड, पहले पॉजिटिव है और पॉजिटिव और बाहर जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, इट बिकम हाइपर पोलराइज. डीपोलराइज तो होगी नहीं, डीपोलराइज तो हम बात करते हैं कि ये जो है यहाँ पर पोलैरिटी चेंज होने को कहते हैं, कि अगर अंदर पॉजिटिव हो जाता बाहर नेगेटिव आयन मूव कर जाते तो ये डीपोलराइज होती, पर यहाँ तो पोटेशियम बाहर जा रहा है तो बाहर पॉजिटिव आयन्स की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है. तो अगर पॉजिटिव आयन बढ़ रहे हैं तो वो क्या हो रही है, इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं पोलराइज्ड, जहाँ पर बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव होते वो कहलाती पोलराइज्ड मेम्ब्रेन. और पोटेशियम ई फ्लक्स की वजह से यहाँ पर पोलराइजेशन और बढ़ रही, तो हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन अकर्स. सो यहाँ पर क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन होगा. जैसे ही ये हाइपर पोलराइजेशन हुआ, इस हाइपर पोलराइजेशन की वजह से नेक्स्ट स्टेप होता है एंड दैट इज व्हाट, कि यहाँ पर कैल्शियम एंड बाइकार्बोनेट आयन चैनल्स हो जाते हैं ओपन. फाइन, तो यहाँ पर पोटेशियम का तो ई फ्लक्स हो रहा है, पोटेशियम का ई फ्लक्स होते ही जैसे ही हाइपर पोलराइज हुई, यहाँ पर मेम्ब्रेन पर जो कैल्शियम एंड बाइकार्बोनेट आयन होंगे, चैनल होंगे, वो आपके क्या हो जाएंगे, ओपन. एंड बिकॉज ऑफ दिस कैल्शियम एंड बाइकार्बोनेट मूव्स इनसाइड द स्पर्म मेम्ब्रेन. सो यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन मूव्स इनसाइड स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड एज द कैल्शियम आयन मूव इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म, दिस स्पर्म बिकम एक्टिवेटेड. तो जैसे ही आपका यहाँ पर कैल्शियम और बाइकार्बोनेट अंदर मूव किए, स्पर्म क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड. तो अगर हम यहाँ पर डायग्रामेटिकली सिंगल स्टेप में बात करें, तो यहाँ पर ये था डीकैपेसिटेटेड स्पर्म को कैपेसिटेटेड बनाने के लिए यहाँ पर हुआ क्या, इसके हेड से कोलेस्ट्रॉल को रिमूव किया गया एंड इसके बाद पोटेशियम का ई फ्लक्स, मतलब पोटेशियम निकला है बाहर, कैल्शियम आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन का हुआ है इनफ्लक्स. और ये होते ही ये स्पर्म हो गया है एक्टिवेटेड. एंड एज द स्पर्म बिकम एक्टिवेटेड वी कॉल दैट इट इज कैपेसिटेटेड स्पर्म. कैपेसिटेटेड मीन्स नाउ इट इज एक्टिवेटेड टू फर्टिलाइज. ओके, सो नाउ द स्पर्म इज फंक्शनली मैच्योर और फंक्शनली एक्टिवेटेड फॉर द फर्टिलाइजिंग मैकेनिज्म. सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप फीमेल ट्रैक में आते ही क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप इज इंसेमिनेशन. देन द सेकेंड स्टेप इज कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट.
एंड वॉट इज नेक्स्ट पॉइंट, एज द स्पर्म्स मूव्स इन दिस फीमेल ट्रैक, सम ऑफ द प्रोसेस और सम ऑफ द फोर्सेज आर देयर विच इंक्रीज इट्स मोबिलिटी टू अलाउ इट टू रीच द फैलोपियन ट्यूब. कि कई चीज़ें तो हैं जो स्पर्म की मोटिलिटी को एनहांस करेगी कि ताकि जल्दी से जल्दी कहाँ तक पहुँचे, यहाँ पर ओविडक्ट में पहुँचे जहाँ क्या प्रेजेंट है, एग प्रेजेंट है. वाइल सम ऑफ द फैक्टर्स आर देयर विच डिक्रेड इट्स मोटिलिटी या फिर जो इसके मूवमेंट को कम करते हैं. तो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं. होप अभी तक आपको समझ आ गया होगा हमने अभी तक बात क्या की इस पेज पर, कि सीमन जो होता है मेल से वो इजैक्यूलेट होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में डिपॉजिट होगा, जैसे हमने कहा इंसेमिनेशन. देन इसके बाद एक वन टाइम इजैक्यूलेशन में अराउंड 3 ml ऑफ सीमन जो है वो डिपॉजिट होता है फीमेल ट्रैक में, और जिसके अंदर आपका अराउंड 200 to 300 million स्पर्म प्रेजेंट होते हैं. देन यहाँ पर सेकेंड प्रोसेस होती है, दैट इज कैपेसिटेशन, यानी कि स्पर्म को फंक्शनली एक्टिवेट किया जाता है, मैच्योर किया जाता है, सो दैट इट कैन फर्टिलाइज विद द एग. एंड दिस कैपेसिटेशन इज हेल्प बाय रिमूविंग द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द हेड ऑफ द स्पर्म एंड इट रिजल्ट्स इनटू द इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन वाइल इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम एंड बाइकार्बोनेट आयन. As the calcium moves inside the sperm, it becomes functionally activated for fertilization. And this is how the capacitation of sperm held. Now the next point we are talking about, that here are some of the barriers. Third point हम बात करते हैं यहाँ पर. Third point, that is barrier to sperm mobility. इस sperm को move करने में यहाँ पर कुछ barrier होते हैं जो sperm को रोकते हैं, क्योंकि हमने बात की जो sperm release हो रहे हैं वो around आपके कितने हैं, 200 to 300 million है, but egg के साथ जो fuse होना है वो तो single sperm है, तो यहाँ पर एक ही sperm ultimately reach करेगा. और यहाँ पर ये जो मिलियंस ऑफ स्पर्म है इन्हें रोका कैसे जाता है, तो यहाँ पर कुछ बैरियर्स होते हैं स्पर्म मोबिलिटी के जिसमें हम बात करते हैं. जो पहला बैरियर होता है, फर्स्ट बैरियर, दैट इज द एसिडिक कंडीशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक. सो द फर्स्ट बैरियर इज एसिडिक कंडीशन ऑफ वजाइना. एज आई हैव टोल्ड यू कि अगर स्पर्म को एसिडिक कंडीशन मिलती है तो यहाँ पर स्पर्म जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं. तो यहाँ पर जो फीमेल वजाइनल ट्रैक होता है वहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होती है, एसिडिक कंडीशन. सो यहाँ पर जो मिलियंस ऑफ स्पर्म डिपॉजिट हुए हैं उनमें से कुछ स्पर्म तो ये एसिडिक कंडीशन जो है उस पर सर्वाइव नहीं कर पाते एंड दे गेट डीजनरेटेड. फाइन. Now the next barrier जो इसके movement को रोकेगा, so the next barrier here is the endometrium lining. So यहाँ पर हम बात करते हैं female में जो uterus होती है उसकी endometrium highly thick होती है, and if sperm have to reach up to the oocyte, so this sperm have to cross this endometrium lining. अब जब sperm इस endometrium से होता हुआ जा रहा है तो यहाँ पर sperm की energy utilize हो रही है, और energy utilize हो रही है तो थोड़ी देर के बाद इसकी mobility क्या हो जाएगी, weak हो जाएगी, और यहाँ पर वो egg तक reach नहीं कर पाते. तो यहाँ पर दूसरा होता है कि इतनी highly thick endometrium होती है कि उस एंडोमेट्रियम से पास आउट होते हुए जो स्पर्म की एनर्जी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्पर्म जो है एग्जैक्ट टाइम पर एग तक रीच नहीं कर पाता. ठीक है. एंड इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड बैरियर, सो द थर्ड बैरियर हियर इज अ
फैगोसाइट इन फीमेल ट्रैक, फैगोसाइट इन फीमेल ट्रैक। एंड व्हाट इज दिस फैगोसाइट? फैगोसाइट नाम से पता चल रहा है फैगोसाइटिक टर्म होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर। भाई WBCs भी तो होंगे, तो जैसे बाहर से कोई चीज़ आती है, बाहर से स्पर्म एंटर करता है, सो दैट WBCs दे एंगल्फ द अपकमिंग स्पर्म। तो अपकमिंग सेल को, अपकमिंग स्पर्म को एंगल्फ करने का काम करते हैं। सो ये तीन आपकी रीजंस है कि क्यों आपके सारे स्पर्म्स जो है वो एग तक नहीं पहुंच पाते। अब मान लो कोई मेल है, उसके सीमन में स्पर्म काउंट ही कम है कि वो मिलियंस में बन ही नहीं रहे हैं, और उसके बाद स्पर्म को इतने सारे बैरियर से होते हुए गुजरना होता है, मतलब मूव करना होता है। सो अगर यहाँ पर इतने सारे बैरियर्स हैं तो आधे से ज़्यादा स्पर्म जो है वो इन बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पाते हैं। दिस इज़ द रीज़न कि डिपॉजिट तो मिलियंस होते हैं लेकिन एग तक पहुँचने वाले कुछ हंड्रेड्स ऑफ स्पर्म ही होते हैं। तो इन मिलियंस में सिर्फ हंड्रेड्स ऑफ स्पर्म ही पहुँच पाते हैं इन तीन बैरियर की वजह से। पहला, वजाइना के अंदर एसिडिक कंडीशन जो स्पर्म को डीजनरेट करती है। ऑल दो इसे कॉप अप करने के लिए हमने बात की है कि जो स्पर्म आता है वो सीमन की फॉर्म में आता है, तो उसमें आपका फ्लूड होता, सॉरी आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड थी वो सिक्रीट करती है बाइकार्बोनेट, जो फीमेल ट्रैक के अंदर जो एसिडिक कंडीशन है उसको कुछ हद तक न्यूट्रलाइज कर पाता है, जिसकी वजह से कुछ स्पर्म्स जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं। सो द फर्स्ट बैरियर इज द एसिडिक कंडीशन विच डीजनरेट और डिग्रेड द अपकमिंग स्पर्म। सेकेंड इज हाइलिथिक एंडोमेट्रियम। सो एज द स्पर्म मूव थ्रू दिस एंडोमेट्रियम देयर एनर्जी गेट रिड्यूसेज एंड दे डू नॉट रीच अप टू द एग ऑन द एक्यूरेट टाइम। एंड द थर्ड प्रॉब्लम हेयर इज द फैगोसिटिक सेल विच इज प्रेजेंट इन वजाइनल ट्रैक which engulf this upcoming sperm. So this is what we have talked about barrier to sperm. Now यहाँ पर आपके कुछ factors हैं जो sperm की movement को promote भी करते हैं. So यहाँ पर next point is factors which help sperm mobility. वो फैक्टर्स जो स्पर्म की मोबिलिटी को क्या करेंगे, मोबिलिटी को प्रमोट करेंगे, यानी उसके मूवमेंट में हेल्प करेंगे। और वो फैक्टर होते हैं, द फर्स्ट वन इज एज वी हैव सेड दैट इज प्रोस्टा ग्लैंड। Prostaglandin is a secretion secreted by seminal vesicle, and this prostaglandin somehow neutralizes vaginal acidic condition, and this is also responsible. This secretion is also responsible for पेरिस्टेलिक मूवमेंट। और हमें पता है पेरिस्टेलिक मूवमेंट हम बात कर चुके हैं, जहाँ मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। तो यहाँ पर जब वजाइना के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है तो एक प्रेशर जनरेट होता है। जैसे स्पर्म है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा स्पर्म को ऊपर मूव करवाएगा, फिर रिलैक्स होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इस तरह से प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो इस मसल पर एक्ट करता है और यहाँ पर पैरास्टेलिक मूवमेंट जो होता है उसे प्रमोट कराता है। फाइन, नाउ द सेकंड फैक्टर जो हेल्प करेगा मूवमेंट में, दैट इज लास्टिंग मूवमेंट ऑफ स्पर्म टेल। स्पर्म के पास टेल है और ये टेल की लास्टिंग मूवमेंट की हेल्प करती है, मूव करती रहती है तो ऊपर मूव करने में हेल्प करेगी कि ये मूव कर पाएगा।
तो लास्टिंग मूवमेंट ऑफ स्पर्म टेल, एंड द थर्ड फैक्टर एज दिस यूट्रस इज अ मसल, इट क्रिएट्स अ सक्शन प्रेशर, कि सक्शन प्रेशर है कि ये अंदर की तरफ खींचता है चीज़ों को. तो यहाँ पर आपका द थर्ड इज सक्शन प्रेशर ऑफ यूट्रस. सो दीज आर द थ्री फैक्टर्स विच प्रमोट द स्पर्म मोटिलिटी. सो अप टू नाउ वी हैव इन द टॉपिक ऑफ फर्टिलाइजेशन, हम यहाँ पर बात कर चुके हैं किन चीज़ों की, हम यहाँ बात कर चुके हैं कि फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले स्पर्म का क्या होता है, एक्टिवेशन होगा. फिर यहाँ पर कुछ फैक्टर्स जो उसके मूवमेंट को रोकते हैं, अप्रोच को रोकते हैं, एंड सम फैक्टर विच प्रमोट्स इट्स मूवमेंट. फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. आई ट्राई टू मेक द नेक्स्ट वीडियो सून. फाइन, आज छोटी क्लास ले रही हूँ, फ़ोन में बैटरी नहीं है. तो दिस इज़ ऑल, थैंक यू.